आप लोग इस वीडियो क्लिप को देखो, आप लोग इस वीडियो क्लिप से आप लोग जान पाओगे कि मैं क्या आप लोग से कहना चाहता हूँ। और अपने हर एक जन अपने आँखों को खोलो और सच्चाई को जानो, और सच्चाई क्या तुम्हें कहता है तुम खुद समझ जाओगे। पैसे के लिए सेवा मत कर, देश के लिए तो ऐसे काम मत कर, पद के लिए सेवा मत कर। यजमान वर्ग रहो, वो मालिक आ रहा और कणक के गेट पर वो हिसाब मांगेगा। ऊलिय का ना इरपति ना तपित कोला मुडिया, तो सेवा के इसके लिए बच नहीं पाएगा। अल्लाह ने ऊलिय का रे ना अग्निले पोड़ी इन यीशु सोली रगा, उसके सेवक को अग्नि में झोंकूंगा ऐसे यीशु ने कहा। अल्लाह ने ऊलिय तप मुड़िया, वो दुष्ट सेवक तू बच नहीं पाएगा। No man can escape on that day, कोई व्यक्ति उस दिन बच नहीं पाएगा। न्याय तिरपिन, वो न्याय का समय होगा। यीशु वर्ग रहा, यीशु आ रहा, न्यायाधिपति वर्ग रहा, न्यायाधीश बनकर आ रहा, राजा वर्ग रहा, राजाओं का राजा बनकर आ रहा, कर्तर वर्ग रहा, परमेश्वरों का परमेश्वर बनकर आ रहा, लंबा विटालम यीशु वर्ग रहा। तू विश्वास करके मत कर, लेकिन यीशु आ रहा। विश्वास करे या ना करे, लेकिन विश्वास कर या ना कर, पर प्रभु यीशु मसीह तो आ रहा है। मैं यही बात कहता हूँ। हर एक मसीह भाई चीख चीख के कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, यीशु आ रहा। औरतें सत्य हो, उसका वचन सत्य है। अवर वर्ग रहा, वो आ रहा। अंद नाळिले उनुडैय नलमै एन्न, ओ उस समय तेरा हाल क्या होगा। अंद नाळिले उंगळुडैय नलमै एन्न, ओ उस समय आपका हाल क्या होगा। परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार रहे। इन्हें कालम से ला रहे, अभी और समय नहीं है। इन्हें कालम से ला, और अधिक समय नहीं है। அந்த நாளிலே நீங்கள் அக்னி கடலுக்குள்ளே செல்லாதபடி, ஹார் ஊஸ் தின் அக்னி கே சமுந்தர் கே அந்தர் நா பஹஞ்ச் ஜாவ், இஸ்லிய பரலோகத்தில் அவரோடு மகிழ்ந்திருக்கும்படி, ஸ்வர்க மே உஸ்கே சாத் ஆனந்த் கர்னே கே லியே, உங்களுக்காக தன்னையே சிலுவையிலே பலியாய் கொடு. ஆப்கே லியே உஸ்னே அப்னே ஆப் கோ க்ரூஸ் கே ஊபர் பலி சடா தியா. உங்களுக்காக தன்னையே சிலுவையிலே பலியாய் கொடு. ஆப்கே லியே உஸ்னே அப்னே ஆப் கோ பலிதான் தே தியா. सब बातों के बाद तीसरे सबसे बड़ी बात मुझे मिली कि जो चेलों के अंदर विश्वास था, चेलों के अंदर विश्वास था, और वो इस बात की गवाही दे रहे थे कि उन्होंने परमेश्वर को छुआ है, उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो उसके संग रहे हैं, उसके संग चले हैं, और इवन वो मरने के लिए भी तैयार थे। और मेरे मन के अंदर सवाल आने लगे कि क्या कभी कोई किसी झूठ के लिए मरता है? अगर उन्होंने यीशु को जीवित कभी नहीं देखा होता तो क्या वो कभी यीशु के लिए मरने के लिए तैयार होते? क्योंकि झूठ के लिए कोई नहीं मरता, मैं खुद भी किसी झूठ के लिए नहीं मरता। तो ओवरऑल मुझे बाइबल से सबूत मिले, और बाइबल के अलावा भी इतिहासकार जैसे कि क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उसके ऐतिहासिक सबूत थे जो कि इस बात को साबित करते थे कि यीशु दुनिया में रहे, वो हमारे बीच चले फिरे, उन्हें मारा गया और वो मरने के 3 दिन बाद जी उठे। और प्रेरित पौलुस भी कुरिन्थियों की पत्री में कहते हैं कि यदि मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। और वो बात मुझे बिल्कुल छू गई कि हाँ, अगर यीशु मसीह सचमुच उठा होगा तो मैं उसमें विश्वास करना चाहूंगा, लेकिन मैं उस पर अच्छे से जान। इसलिए मैं हर एक भाई बहन से कहता हूँ, आप विश्वास करो या ना करो, मेरे बातों को विश्वास ना करो, बट उस वचन को विश्वास करो, उस बाइबल को विश्वास करो जो बाइबल हम हर एक जाति के लिए है। कोई धर्म नहीं, कोई रिलीजन नहीं, क्योंकि बाइबल कभी धर्म और रिलीजन से बात नहीं किया, क्योंकि बाइबल में भी पढ़ा, इसलिए आप हर एक जन के सामने में ये बात कह पा रहा हूँ। इसलिए आप लोग को भी ये जरूरी है कि आप लोग हर एक जन जाँच करो सच्चाई क्या है। बट मैं अंतिम में यही बात कहूँगा भाई बहनों, क्योंकि आप लोग हर एक जन को न्याय के सामने खड़ा होना है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। गॉड ब्लेस यू। और अंतिम में यही कहना चाहता हूँ कि आपका जिंदगी, क्योंकि प्रभु ने आपको चॉइस करने का चांस दिया है कि आपको लाइट में जाना है या अंधकार में, वो आप सोचो, आप डिसाइड। अंतिम में यही बात कि प्रभु यीशु मसीह हर एक जन से प्रेम करता है, हर एक जाति से प्रेम करता है। चॉइस आपका कि आपको किधर जाना है।